हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी ऑन विंडोज सर्वर 2016। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लिक करेंगे स्टार्ट, सेलेक्ट करेंगे सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर ओपन हो चुका है। अब हम क्लिक करेंगे ऐड रूल्स एंड फीचर्स पे। नेक्स्ट करेंगे इस विंडो को भी नेक्स्ट करेंगे, इसको भी नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, सेलेक्ट कर लिया मैंने। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप क्लिक करेंगे ऐड फीचर्स पे, नेक्स्ट करेंगे, इस वाली विंडो को भी नेक्स्ट करेंगे और चेक लगाएंगे रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड पे। जैसे ही आप लोग उस पर चेक लगाएंगे एक और विंडो ओपन हो जाएगी। इसको आप लोग यस करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। जैसे ही सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। इस विंडो को क्लोज करते हैं, क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन पे और सेलेक्ट करेंगे प्रमोट दिस सर्वर टू आवर डोमेन कंट्रोलर। यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं सेलेक्ट करूँगा लास्ट वाला क्योंकि मुझे न्यू फॉरेस्ट बनाना है। जो भी आपको नाम रखना है अपनी डोमेन का वो आप यहाँ पे नाम रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल रख रहा हूँ माई आईटी टीम .net। नेक्स्ट करते हैं इसको। इस वाली विंडो में आप DSRM पासवर्ड रखेंगे। मैंने पासवर्ड रख दिया, नेक्स्ट करेंगे। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि DNS अभी कॉन्फ़िगर नहीं है, तो फिलहाल हम इसको नेक्स्ट करते हैं। इस वाली विंडो को भी नेक्स्ट करेंगे। इस वाली विंडो में आप अपनी AD की डेटाबेस का पाथ दे सकते हैं। मुझे फिलहाल नहीं देना है तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूं। अगर आप लोग देना चाहें तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ वह सी, आप चाहें तो इसको D भी कर सकते हैं, E भी कर सकते हैं, लॉक फाइल को भी और डेटाबेस को भी। नेक्स्ट करते हैं इस स्टेप को। इसको भी नेक्स्ट करते हैं। जितने भी स्टेप हमने पीछे सेलेक्ट किए उन सब की वेरिफिकेशन हो रही है। और वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, लिखा हुआ आ गया है यहाँ पे। इसको अब क्लिक करेंगे इंस्टॉल पे। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट कंप्लीट हो चुका है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर से पहले मेरी डोमेन का नाम लिखा हुआ आ चुका है जो मैंने रखा था माय आईटी टीम। साइन इन करते हैं। सो व्यूअर्स, सर्वर मैनेजर ओपन हो चुका है और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक और फीचर आ चुका है ADDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। क्लिक करेंगे टूल्स पे
और सेलेक्ट करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। यहाँ पे आपकी डोमेन का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने लिखा था myitteam.net, तो जैसा कि वो यहाँ लिखा हुआ आ चुका है, इसको ओपन करते हैं, यूजर्स में जाते हैं। अभी ना मेरे पास कोई यूज़र है और ना ही मेरे पास कोई कंप्यूटर है फिलहाल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर किस तरह से कंप्यूटर और यूज़र्स को ऐड किया जाता है। आई होप आप लोगों का समझ में आया होगा किस तरह से एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल किया जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।